Sociology of Development, Topic 18. Economic Development and Human Development. There is a close nexus between economic development and human development. Economic development can stimulate human development, and human development is necessary precondition for economic development. Economic development or human development jo hai, ye mutually interrelated and interconnected jo concepts hain. Economic development ke bagair human development nahi ho sakti, aur human development ke bagair economic development nahi ho sakti. Jab tak kisi society mein human development nahi hai, human development jo hai wo society mein productivity ko increase karti hai, वो सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, वो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें कोऑपरेशन को इंक्रीज करती है, सोसाइटी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें सस्टेन करती है. सो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर मस्ट हैव टू बी द ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. On other side, to achieve the human development goals, from health to education, to the quality of life, to the social well-being, to the active economic activity, to the strong economic participation from the side of peoples and community, economic development is important. Agar community kisi mein economic development nahi ho rahi, sehat, taleem, kisi bhi shobe mein, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, परचेजिंग पावर में, हम ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई गोल भी अचीव नहीं कर सकते. जब ग्रोथ होती है किसी सोसाइटी में, उसकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो पर कैपिटा इनकम होते हैं, जो जीडीपी ग्रोथ होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव होते हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होती है, लोग नई उनकी परचेजिंग पावर इम्प्रूव होती है, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म आता है, तो नई उनकी दे आर स्ट्रांग टू परचेज समथिंग, दे आर स्ट्रांग टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं आपकी पर कैपिटा इनकम से लेके जीडीपी ग्रोथ तक और परचेजिंग पावर तक, ये उस सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट ऑन अदर साइड, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं कोई सोसाइटी उन्हें अचीव करती है, देन वो आगे ट्रेवल करती है टुवर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिकली अगर मिजरेबल पोजीशन है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ही नहीं है, कोई एक्टिविटी करने के लिए, नई इंटरवेंशन करने के लिए, हेल्थ की हेल्थ में एडवांसमेंट्स के लिए, नए नए चैलेंजेस जो एजुकेशन सेक्टर के हैं उन्हें फेस करने के लिए, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं उन्हें फेस करने के लिए, आपके पास इकोनॉमी ही ऐसी नहीं है, आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनके लिए कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले सकते. तो देयर इज ए कंपल्शन दैट इफ देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी कैन से दैट वी मे मेक स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट. ऑन अदर साइड, इफ वी आर डूइंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, at the same time we are performing on the economic side as well. Economic development bhi saath saath hum kar rahe hain. Human development stimulates economic development. Economic development always presupposes growth which is dependent on human productivity. Human productivity, jab human development hoti hai, human productivity increase hoti hai, jo contribute karti hai economic process mein. आपकी जब इकोनॉमिक प्रोसेस जो है वो बेहतरी की तरफ चलता है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होती है सिचुएशन, नॉलेज में, हेल्थ में, एक्सेस टू द डिफरेंट फैसिलिटीज, टू द रिसोर्सेज, स्किल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारी चीजें मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट करती हैं. और ये सारी चीजें ही जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तब ही होती है. ह्यूमन डेवलपमेंट में स्किल्स इंप्रूव होती हैं, एजुकेशन इंप्रूव होती है, जो मल न्यूट्रिशन है, जो डेफिशिएंसीज हैं आपकी न्यूट्रिशन की, आप उन चैलेंजेस पे ओवरकम करते हैं.
आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स होती हैं, आपको नए नए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनते हैं और प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में. तो सब चीजें मिलती हैं जब दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हेन देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की साइड पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है.